चल चल बन रहा है चल आ गए गाइस अमेठी भैया भाभी जब गए उसके पीछे मतलब उनके पीछे फिर हम लोग भी निकल आए समुद्र में मिलकर भजिया बना रही है बताओ चाय भी गरम गरम चाय पकौड़े। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। तो अभी देखिए दोपहर का टाइम है, यहाँ पे सब ढेर सारे लोग दिख रहे हैं आपको क्योंकि आज भैया भाभी जा रहे हैं। तो ये बैग बैग देखिए सब रेडी हो गया और कुछ लोग ये जो ऑटो खड़ा है कुछ लोग अमेठी में जाएंगे, इसी ऑटो से भैया भाभी भी जा रहे हैं। तो जिनको अमेठी जाना है वो कुछ लोग यहाँ मतलब ऑटो से जा सकते हैं, बाकी हम लोग भी जाएंगे लेकिन बाइक से जाएंगे। आई होप आप सब बहुत अच्छे हुए, सबका पेट दर्द कर रहा है ये गर्मी में ना, सबका पेट दर्द कर रहा है मेरा भी। और मैं भी आ रही हूँ अमेठी से, हाथ चलो ऐसे लेके यहाँ लाइट भी रही है, बच्चे की सो रही है, ये कहीं नहीं जा रहा आज हमारे भैया भाभी जा रहे हैं तो इसलिए ये कह रहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। गर्मी इतनी है आ रही है आज, ये तो गर्मी से निकल जाएगी, हम लोग अभी चार पाँच दो दिन आ जाएंगे। जा तू बिना ना बोला परे साफ साफ। बस अब टाइम हो गया, ये लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे देखो ये भाग रही, मैंने इसको पैसे दे रही थी इसलिए ये नहीं ले रही थी, तो ये भागी जा रही, मैं इसके पीछे पीछे जा रही थी तो ज़बरदस्ती मैंने उसे दे दिया। सब देखिए रेडी है, देखिए गांव वाले घर पे क्या है, मेरे यहाँ कोई नहीं रहता है, ओनली बस ये भंडारा होता है तभी आते हैं। मंदिर का भंडारा बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया, संपन्न हो गया। जब अच्छी और पटना जा एक साल के बाद यहाँ पे सब आएंगे, एक साल के बाद यहाँ का तारा हां चला देते हैं ड्राइवर साहब रहते हैं बस, ज्यादा से ज्यादा एक चार से पाँच दिन या फिर एक वीक बस, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए यहाँ जो भी दिखता है ना भी मतलब कोई रहता नहीं, इसलिए उतना साफ सफाई भी नहीं होता, जो भी जितने दिन रहते हैं लोग उतना ही दिन साफ सफाई करते हैं, उसके बाद एक साथ तक बंद पड़ा रहता है। तो एक गैस चूल्हा ऑटो में दिखा होगा, सिलेंडर वगैरह वो सारी चीज़ें जो है अमेठी से ही लाया गया है, यहाँ कुछ नहीं रहता। ये देखिए सिलेंडर, तीन तीन सिलेंडर हैं, तो यहाँ कोई रहता नहीं इसलिए रखा नहीं जाता है। और जैसे चलो प्रॉपर तरीके से कोई आता रहे साल में दो बार तीन बार चार बार चक्कर लगाता रहे, लेकिन अमेठी में दीदी रहती है ना इसलिए यहाँ कोई नहीं आता है। हाँ जब वहाँ आते हैं भैया लोग कभी तो साथ में यहाँ घूमने आ जाते हैं, पर यहाँ रुकते नहीं हैं। और यहाँ पे सब भैया का भी हमने आशीर्वाद लिए, पैर छुआ, और ये दीदी भी हम लोग बाइक से जाएंगे, पहले ये लोग चले जाएंगे फिर बाइक से लोग, इसके लिए यहाँ सब इसी में ठूसम ठूस सबको बिठा दिया गया है कि अमेठी तो जाएंगे ही तो कुछ लोग इसमें चले जाए सामान के साथ। मैंने भी अपना एक बैग इसमें रख दिया है और अभी यहाँ लॉक लग जाएगा। लोग तो ऑटो रिक्शा से चले गए, बच्ची मैं तो मैं बाइक से जा रही हूँ, मतलब मेरी फैमिली विद फैमिली बाइक से जा रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा दुपट्टा वगैरह बांध लिया, चश्मा लगा लिया है, पीयू बीच में दबी हुई है, किट्टू आगे बैठा है तो हम लोग भी पहुँच जाते हैं। आ गए गाइस अमेठी, भैया भाभी जब गए उसके पीछे मतलब उनके पीछे फिर हम लोग भी निकल आए। और यहाँ देखो बंद जब पड़ा होता है ना, एक दो दिन के लिए भी बंद पड़ा हो तो घर एकदम से गंदा हो जाता है। ये मेरे दाने ना जा नहीं रहे, जब तक से गर्मी नहीं जाएगी ना तब तक से दाने नहीं जाएंगे, पता नहीं ये बारिश आएगा तब जाके जाएगा ये दाने। और अभी मैं मुँह धो के आई हूँ, कपड़े धो के आई हूँ और यहाँ सफाई भी चल रही है, सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं, देख रही है क्या इधर यहाँ पे ये सामान जो है। इधर 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 नीचे नीचे यहाँ ये लोग जूस पी रहे हैं, बेचारी सारा सामान फिर से साफ की, अच्छी तरह डेकोरेट की, क्यों सॉरी बोल रहे हो? क्योंकि मेरा
दिया तो नहीं आपने? दिया नहीं, पी अच्छा पी लो, उसके बाद बोल दो कि सॉरी। वाह, अगली बार पिलाऊंगा। मैं भी कुछ लाएंगे ना पापा, मैं खा लूंगी फिर बोलूंगी बेटा सॉरी, अगली बार पिलाऊंगा। हाँ ठीक है, हट। हेक, क्या कर रही है यहाँ पे? देखिए मैं यहाँ कपड़े डाल रही, मैंने बोला कपड़े डालने को और पानी भर गया, पानी भर गया। देखिए मोटर का पानी भर जाता, बड़ा मजा आता है, जैसे गिरता है। बच्चों को भी मजा आ रहा है, जैसे लग रहा है वो स्विमिंग। करो बच्चे गीले गीले। झाड़ू लेके बस, आपकी कमी थी अमिता, आपकी कमी नहीं। अकेले 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 फ्रूटी हाँ? हो गया ठंडा, कितनी जल्दी ठंडा हो गया? मैं निकालो, नहीं ठंडा बराबर। उठाइए बेटा, मेरी चाय पियो, पानी नहीं पियेंगे? हाँ भाई नेहा, नेहा तो भजिया बना लेती है, खा लेती है। हाँ मैं तो खा लेती हूँ, इतनी बेटियाँ मिलकर भजिया बना रही है, बताओ। चाय भी गरम गरम चाय पकौड़े, क्या बात है। भी रेडी हैं तीन तीन, ये ना देखो एंड टाइम पे आई है, अभी आई है और अभी जस्ट इसके लिए चाय और नाश्ता बनाए। हम लोग कब के, हम लोग नहीं बनाए ना खाए, अभी आई है बैठी है, अब इसके लिए चाय और पकौड़े भजिया। और ये भी हैं, इनकी फरमाइश तो बन रहा है, इनको सब बेटियां बना के खिला रही है भजिया। ऐसी बेटी मिलेगी कहीं? नहीं मिलेगी, ऐसी बेटियां मिलेगी कहीं? हाँ हाँ मिलेगी ना हमारे घर में। अरे तो गर्मा गर्म भजिया विद ग्रीन सॉस के साथ इन लोग खाने भी ले गए, ये लोग बहुत ही टेस्टी बना था, मैंने भी खाया। चलिए वीडियो आज का यहीं पे करती हूँ एंड, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यहाँ पे अभी ये लोग बेचारी बना रही, गर्मी इतनी फिर भी ये लोग बहुत मेहनत कर रही हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग।